बोले लुकी देता रुझांसा कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे गांव से जिसका नाम है जमोहत। और इस गांव में रहते हैं सात नमूने। इन सातों नमूनों के अपने अलग अलग कारनामे हैं, तो आइए मिलवाती हूँ आपको इन सातों नमूनों से। सर, मरीज आया है। पकड़ पकड़ पकड़। अरे डॉक्टर साहब, अभी तो आधा चढ़ल था। उठ उठ, है ले आधा जो घर पी गई है। ठीक नू, जा ना जा, मुंह का ताकत आ जा, जो जा ना जा। बदमाश कहीं क्या, बिजनेस बिगाड़ी है। आ, भेज भेज। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, का भइल का भइल? हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे राम राम, तने चेक करके बताई ना का भइल बा। तू चिंता मत कर हनु। अच्छा ही बताओ कि तहार नाम का? मूलचंद। मूलचंद, अच्छा। बाबूजी के नाम? माणिक चंद। माणिक चंद, हाँ। माणिक चंद। माई के नाम? तुलसी। तुलसी, हाँ। पत्नी के नाम? रजनीगंधा। रजनीगंधा, हाँ। बाल बच्चे बड़े सा? दूगो लड़का बड़े। का नाम हो? पान कुमार, पराग कुमार। अच्छा, पान पराग, आज तोरा भूत रे। अब बेटी भी है कि ना? हाँ। का नाम रे? चुटकी। चुटकी, हाँ। अब भाई? भाई विमल। विमल, हाँ। हे भगवान, हे भगवान, कहाँ काम कर रहा? गोवा में। गोवा, हाँ। हाँ, तोरा भूत के, हे भगवान, देखा तहार रोग एकदम शिखर पर चढ़ गई बा, बुझला। बाकी चिंता मत कर, ठीक हो जाइबा। हम जौन कह तनी खाली करी हा, ठीक नू? एक पाव सुरती, एक पाव सुपारी, एक पाव कत्था आ एक पौआ चूना, ए चारों के मिला के आ एगो रोटी में लेके लभेड़ लिए, बुझले? आए आओ, रोटी के तू खा लिया। अगर कल बाँच गई लत तो फिर आ जाइ। रे सारू, हर घड़ी हाय के दैया मैया काहे लगावत रहले? गाना गावे के बा का रे? हाय खदेड़ुआ, मु झौसा ह, अंगुरी करता। का खदेड़ू, काहे उंगली करता रे? तका अंगूठा कर देवे के चाहत। का भाई? ए मदेरू भाई, मदेरू भाई, आज बियर पिए के मन करता। हमर हनु, बाकी हम ओहन की नसीब में कहा। चल, अरे रुक, तहनी के बियर पिए के बाना। हम पियाव तनी तहनी के बियर। ऊ कैसे बॉस? चल पता चल जाई, आओ आओ। ओ जैन खोदा खादी जान करी। चल चल चल, बियर पिए के बा। आय हे हे हे, केहू बा हो? ऑर्डर लेके जा। देख रे, देख का चाहिए भैया। आइजा बहुत भयानक फाइट होखे वाला बा, तो तनी मूड बनावे खातिर तीन गो बियर लेके आवो। ठीक है, फाइट हार्ड बियर लेके आई हो। ए अनु, हाँ, लावा लावा। वाह, चल चल।
चेयर्स कर, गिलास छोड़ रहे। चेयर्स। हाँ मजा होता। ए मधुर भैया एगो औरी मंगावा ना। और ही चाहे रोक मंगावता नहीं। ए तीन गो और लेके आओ यार, बहुत बड़ा फाइट हो किया। आहा धन्यवाद धन्यवाद। ए पीना। ए मदर भाई अरे एक आओ। अरे तू भी का याद कर बे यार। ए तीन गो और लेकर आओ यार, मजा नहीं के आइल। नकली बियर लेके आइल बड़े का यार। तीन गो और लेकर आओ, तीन गो। हाँ तीन गो बियर लेकर आओ। बड़ा भयानक फाइट होके वाला है आज इधर। वो तो सब ठीक बा बियर, पहले फाइट कैसे होके वाला भाई तो बताओ। हो रहुआ के बानी? हम है एकर मालिक। हाँ रहुए इस दुकान के मालिक बनी। हाँ, हम एकर दुकान का मालिक बनी। रहुए के साथ मार होके वाला बा। मार? और हमारा साथे जी। वो कैसे कहेगी? हमने के लगे पैसा नहीं खे ना। पैसा नहीं खे तो मार रोकबे करी नु। अरे मार। अरे मार के तो हम कछु बोली कर दे। दूधवा में मिला के हम बेचब पानी। हाय पानी। हाय हाँ पानी। हमरा कहानी हमरा कहानी नो 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 कान पकड़ता नहीं, अब बिहान से अब ना कर। ठीक है दूध वाला। ओम नमस्तोभ्यम 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 ओम नमस्तोभ्यम 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 ओ नमस्तोभ्यम 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 नमस्तोभ्यम। खूब हंस तारु, खाली हंसबे करबू कि मिलबो करबू। ओ नमस्तोभ्यम 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 का कह तारु? आइबू कि ना? कूल मॉडर्न कपड़ा पहले बड़ू। साड़ी को पहनबू? साड़ी हम पहनाई। गजब कहाँ सतारू, गजब कहाँ सतारू। ये तोहार जवन हंसी बानू अम्रपाली। अरे हंस के हमार जान लेबू का। ए मर्दे आगवा साठ बा तो मनो तू ही देखबा। बैठ जा के ले लो। बड़की नोट दिखावे ला पर
हटिए जाओगी। राते के प्रोग्राम तो हिट भइल, पैसों कमाई नहीं जा, अब आगे के क्या प्लान बा? खामोश, मैं महाराजा रावण हूँ, रावण। रे बेबकू, दशहरा में रावण बने के बा, अभी ऐसे काहे रावण बनो तोड़ो? बैठ, 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 बैठ। अगला नाटक जवन हो वो नाटक हो देश का प्रधानमंत्री उर्फ चाय वाला। चाय वाला तू हवा, चला रिहर्सल करा। ये बन गया चाय वाला। चाय पी लो चाय। भीख मांगा तारा, भीख मांगा तारा कि चाय बेचा तारा। चाय पी लो, चाय पी लो। देने जो ने बैठ, जो बैठ के देख चाय कैसे बेचा जाला। देख भोरे भोरे जब घर से निकलबे चाय बेचे, चार पहर में चाय बेचल जाला। देखो भोरे भोरे के चाय कैसे बेचाला। वेरी गुड। ऐ चाय गरम गरम चाय ले लो, मेरी चाय ले लो, कुल्हड़ वाली चाय, मीठी चाय, ताजी चाय, एकदम फ्रेश चाय। आए अब देखो, अब दुपहरिया के चाय देख। अब थाकियो गुलबा। चाय गरम गरम चाय, चाय ले लो चाय वाला। अच्छा, सांझ के चाय। आए चाय, चाय गरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाय देख लो झटका, बुझले जो रहू के ना चाहे केहू के। अब अंतिम जौन बा घरे जाए के बेरिया थाक के एकदम चूर हो गइल बा। हनु मुखिया, प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम 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 प्रणाम। बैठे मुखिया जी। कैसे मुखिया जी आप हमारा दरवाजा पे? सुनो बैठो, तू लोगों से एक काम बा। जी। काम ई बा, दरअसल ई गांव में भोजपुरी कल्चर भाषा सीखे खातिर बम्बई से एगो हीरोइन आ रहल बा। हीरोइन? हीरोइन? हाँ हीरोइन। तोरा जैसे निकम्मा तो ई गांव में बढ़लही ना बा। मुखिया जी रउआ इज्जत दे रहल बानी कि ले रहल बानी? अरे सुनो यार, अही से हम फैसला कर लिया तोरे सबके कंपनी में एक महीना रह के काम सीखी। अच्छा। जे उनका सीखे के बाद सिखा दिया। अरे बहुत बढ़िया मुखिया जी। लेकिन ध्यान रहे,
कोनो गड़बड़ी ना होके के चाहिए। ना ना, अगर कोई शिकायत हमरा पास आए तो हमरा से बुरा कोई ना होई। ना ना मुखिया जी, रावरा दे सारा खोपर। अच्छा मुखिया जी, वो हीरोइन का नाम का है? अमरपाली। कहा? अमरपाली। 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 चलो चलो, तू सब नौटंकी करो। अरे अमरपाली, अब हम कहाँ करी हो? मैडम जी, नींद नहीं खेव, हमारा विश्वास नहीं की होत कि रहुआ हमारा गांव में आ रहल बानी। ये मेरी मोहब्बत है जो आपको खींच कर मेरे गांव में ले आ रही है। ए मैडम जी, तहरा के हम अम्रपाली ना कहो तब का कहीं अमू ना आए। मैडम जी, हम मैडम जी कहो अच्छा रही नू? जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको दिलाने की साजिश में लग जाती है। ओम शांति ओम में शाहरुख ने कहा था। बड़ा गजब का बात कहले रहा हो। का भगवान, इतनी लंबी रात होला का? नमस्ते। हमारा गांव में रौड़ा के बहुत स्वागत बा। हमारे गांव में नाटक मंडली बा। अरे नाटक मंडली, हाँ हाँ हाँ, आने मरकारी जल्दी आ। चल 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 देखी देखी, ई बा झटका, हाय ई बा संतराम, अब बारन बैद जी, हेलो, ई बारन उकलता बा। देखा देखा, हाय ई खजरुआ मजरु, ई नाटक कंपनी के मालिक बताशा। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते बताशा। आ बताशा मैडम, मिठाई होला खाए जला। मिठाई है, खाते हैं। सो स्वीट। बहुत दूर से आयल बानी, चली नहाई धोई आराम करी। हाँ। रौड़ा के सब इंतजाम यहाँ बा। चली चली मैडम जी, हम लोग कल मिलेंगे। हाँ ठीक है, बाय गाइस। बाय बाय बाय। गाय? हाँ हमनी के गाय लोग को तनी जका उनका बैल बोलिए मैडम जी। अरे अरे गुरबक बार मरदे तो नहीं लोगन का भाई? बाय गाइस अंग्रेजी में, हिंदी में बाय दोस्तों। मैडम जी, हमारा तो विश्वास है नहीं की होत कि रउआ हमारा गांव में आ गेल बानी और हमरे के बीच में बैठल बानी। अच्छा मैडम जी, ओइसन का भइल कि रउआ एयर कंडीशन छोड़ के आ एजा धूरा फाके आ गईनी? धूरा फाके? का धूरा फाके बतियाओ तोरा? कहे के मतलब शहर के चकाचौंध छोड़ के अहिजा गांव में कहे आ गई नी? ओ, वो एक्चुअली एक महीने बाद मैं एक बहुत बड़ी हिंदी फिल्म कर रही हूँ। उस फिल्म का बैकग्राउंड भोजपुरी है। भोजपुरी? उस फिल्म में मुझे भोजपुरी डायलॉग्स भी बोलने हैं, यहाँ के कल्चर्स भी करने हैं। बहुत बड़ी फिल्म है तो मैं उसमें सब कुछ बहुत ही रियल करना चाहती हूँ। इसलिए एक महीने की छुट्टी लेकर मैं यहाँ पर भोजपुरी बोलना और यहाँ के कल्चर सीखने आई हूँ। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सुना, एक काम करा हो, जब सिखा ही सिखावे के बात हो तो काल है जमन भगवान के नाम लेके देवी माई के मंदिर पे शुरुआत करल जाओ। हाँ, माई के नाम लेके। हाँ, तो मैडम जी काली आप भोरे भोरे वह करीब 10 बजे के आसपास। भोरे? अरे सुबह सुबह जी काली माई के मंदिर पे आ जाइए। ओके ठीक बा, ठीक है, कल वहीं पर मिलते हैं। हाँ बाय। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। Thank you.
मैडम जी हमने के नाटक कंपनी में राउर स्वागत हाँ हाँ मतलब कि हिंदी में बोली हिंदी में हाँ मतलब यह कि लगे हमारे यहाँ आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है तो बताइए कहाँ से शुरुआत करें। अब भोजपुरी से शुरू कर नहीं हमारा मतलब है भोजपुरी से शुरू करते हैं। ओके बाबा सिखाओ। हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से बोली हो गई है प्यार अब लो हो गई है ना तो हो गईल बा हो गईल बा हाँ, प्यार ओढ़निया वाली से प्यार ओढ़ने वाले से अरे बाप रे क्या ओढ़निया वाली से हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से अच्छा अच्छा बताई पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई पंडित जी बताए ना ना ब्याह कब होई ब्याह कब होई वाह क्या बात है अच्छा मैडम अभी बोलिए गैल भैंसिया पानी में गैल भैंसिया पानी में गैल भैंसा पानी में अरे बे बे अरे भैंस और भैंसा दोनों अलग होला जैसे मर्द मेहरारू में मतलब लेडीज जेंट्स में मेल फीमेल होता है वैसे इसमें भी भैंसा मतलब मेल भैंस मतलब फीमेल तो यहाँ भैंसिया गई है फिर से बोला गैल भैंसिया पानी में गैल भैंसिया पानी में अच्छा अच्छा सुना सुना हम बोलते हैं जेकरा में होई दम उहे खूंटा गाड़ी जेकरा में होई दम उहे कुत्ता मारी रे कंता रे तारा अच्छा वाला फिल्म के नाम नहीं के सुझाई दे खूंटा गाड़ी अब हट अब रजा दी ना मैडम जी एक मिनट हाँ बहुत हो गई भोजपुरी में सिखा सिखौली अब हो भोजपुरी में डांस चलो मास्टर शुरू करो हाँ चलो आए जाओ बजाओ हाँ बजाओ तुम बजाओ बजाओ हाँ बतासा के माई धनवा और बाकी इतने बाहू और बाटे ना घरवा में हो अरे अरे आराम से बाकी हो ही ना आज आज ना हो पाई बस अब रह दा जाओ हाँ कितना होई बिहाने से आदमी यही में लागल बा चार बोरा भइल ना कहता नहीं कि अब धनवा के कमवा जैसे होइए गई तक अरे बतासवा कहत रहल जे कि गवा में हीरोइन आइल बिया सुन ली रहो हाँ सुननी है तो जाई देखा है का मतलब ऐसा ही अब उड़ौती में हीरोइन देखे जेबू अरे वो आवारा को सब काम छोड़ो करे जी में तारा कौन सा हीरोइन बने के बा मैंने देख ले तो हीरोइन बन जाए का बतियाई हटे पहले जानत रहनी रहुआ जाए ना दे मालूम रहे हो रखे ठीक बा जा जल्दी आ जाइयो सचो में अच्छा हाँ जाइ अरे जा ना अच्छा कपड़ा बदल के आ बता नहीं हो हाँ ठीक है जा अच्छा हाँ ठीक बतियाई ना हमरा से हाँ अच्छा ठीक है जाता नहीं आम्रपाली हो मन करा तो देख ली हाली अरे पगले अब मंदिर में कुली होता मंदिर में मातारी बेटा दोनों पगला गिल बड़े सो आम्रपाला के देखे जाता नहीं मैडम जी हाँ आपका जो सीरियल आता था नू पलकों की छाँव में हाँ। बहुत बढ़िया था हम तब से फैन हैं आपके अरे वाह तो बहुत पहले की बात है अच्छा सलमान खान के साथ आपका एक फिल्म आने वाला है हाय पता नहीं कब आएगी भगवान करे जल्दी आए ए बतासा बतासा हाँ, हाँ, देख हाँ। चाची अवतारी आई ई कहां अवतारी अगली अरे तू ने कैसे बैठी सही से ना बैठो अरे बतासा तू ही आम्रपाली बाड़ू ए रनिया हमार लइका ना तोहार इतना दीवाना भर घरे फोटो लगाई के बच्चा दिन रात आरती उतारल करेला अरे हमार लाल तोहार दीवाना बाए बचिया तू बाड़ू इतना सुगर थैंक यू आंटी अरे अब ई कहत रनिया की
कैगो बाल बच्चा बाड़े? वो आंटी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। कहाँ? अभी ले बिया ना केलू? नहीं। ये बता सा देखो। हमार तो 16 साल में हो गई लरल। 17वां में तो बतस हो भी गई लरल। अब चल खाना ना बना बाद में। सॉरी मैडम। अरे मैं उठ ही लेता है। टाइम हो गई ना। चल घर पे खाना लेके चली ना। बना चल के हां। मिला फिर। अरे चल 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 चल। ओके बाय आंटी। सॉरी मैडम जी। मैडम जी सॉरी। फिर मिले। कितना सुंदर भी। जय मर्दवा डॉक्टर साहब। कैसन तू डॉक्टर बड़ा हो? का बेटे? अरे जॉन तू दवाई देले रहला ना। उ दवाई खइला से हमारे एकदम पेट झोरी पकड़ लेले बा। अच्छा। आ झड़ा फिरत फिरत हमारे एकदम दशा खराब हो गइल बा। ओके ओके कोनो चिंता के बात नहीं के। हनु सब ठीक हो जाई। सुना है हट रे। ए कस्टमर पर बात करते हैं। हां चल जाई हक कहीं से बैल के हाथ ना गोबर ले लिया। हनु आ गुड़ के एक ढेला ले लिया हाथ ना। दोनों के वो गिलास में घोर लिया। आ एक गिलास पी जाई हो तहर सारा दुख खत्म हो जाई। ए भगवान इनके कौन डिग्री देले बड़ा ये दादा। जो जो मैं बिल्डिंग फेंके लगवा ते फिर से मत आइए। हे भगवान काई खुदरा बेहतर भगवान कोनो बढ़िया गांकी भेजो ना। हे भगवान हर जगह ही पेट बैठ जाता। पेटवक नाते महरारू भाग गई। कैसन हो? कैसन बवड़ा था? अरे डॉक्टर बाकी का साहिब। अच्छा अच्छा अब अहिन ने जिया काटे सुखेन बैद। उठापा कम करने का बंपर पर अरे बाप ये तो हमारो बाप लगता। मोटापा कम करने का बम्पर ऑफर 100% गारंटी के साथ। एक दिन में 5 किलो वजन घटाएं। मोटापा कम न होने पर दुगना पैसा वापस। बहुत जगह ही पैसा गवाले बाटी। काम हो जाए तो बढ़िया बा नहीं तो दुगना पैसा मिली। चला जय श्री राम। मैं आई ढुकिंग। इनकमिंग इनकमिंग। थैंक यू सर थैंक यू। अरे गलत जगह गुरी नहीं गलत जगह गलत जगह। टेबल तू पे हमार। अरे यार कैसन कैसन कस्टमर। अरे डॉक्टर साहब पेटे से बड़ा कष्ट बा। हर जगह ये जाकर उड़ जाता। अच्छा पेटा में आड़ जाता तो महरारू छोड़ के नहीं हरे भाग गई। वो तो भागिए जाए जैसन तारी स्थिति बाड़ बाबू जिंदा बाड़ा वो है बहुत बार। बारवा लिखल हल के दिन में 5 किलो कम करे। 100% गारंटी के साथ नहीं तो दुगना पैसा वापस। सही लिखल हल का हम ये टंकी करे बैठल बानी। अच्छा अच्छा सही बा। एक दिन में ही कैसे संभव है? अरे संभव कितना लोग के कह के बैठल बानी। केकर अदनान सामी मोटका अंबानी के लड़का गणपति राव तापसे सखाराम गोरतोंडे गोर तोंडे। अच्छा अच्छा श्रीकांत पेलारे पे मारे लपर ठीक हो जाए कुत्ता कहीं का चले। सब के एक दिन में कम है ठीक हो जाए कम कोई ले बनी तोरो कराओ मत बोल। अच्छा दवाई दे तब बने कम हुई। आए तो पैसा दे बताओ रू 25,000 रुपया लगे ला पैकेज हा। 25,000 का 25 रुपया चाहे तो बोल। हाँ दे किराया 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 तेरा जाए में कर लाए 10 रुपया रखा ठीक नो। दवाइया आए दवाइया कल सवेरे एकदम तेरा घरे पहुंच जाए। हमें अब चाहिए दवाई। आए अब चाहिए। हाँ अरे ये बहुत बोला था जा तार हमरा पैसा ना चाहिए। मजाक के लिए मजाक। जा कल सवेरे पहुंच जाए ठीक नो। अरे वो नहीं रख ले जो जा। बाप रे बाप साफे जिंदा लाश बटे। हे भगवान ऐसा कस्टमर भेजिया प्रभु। हे भगवान जय भगवान जय भगवान जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी। इतना टाइम हो गया अभी तक दो ये लेकिन आयल कहीं हमके बुर्बक ना बना दिया ले। रघुआ के आई एम स्वीटी आप क्या मटरू है? यस आई एम मटरू। मैं डॉक्टर सुकेन के यहाँ से आपके लिए दवा लेके आई हूँ।
दे दवाई। मैं ही हूँ आपकी दवा। आपे हमारी दवाई है? हाँ। हमारी दवाई कैसे कर जाएगी? मैं भागूंगी। हाँ। आप मेरा पीछा करेंगे। हाँ। और आपने अगर मुझे पकड़ लिया तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ। लेकिन आपका टाइम शुरू होता है अब। नीचे उतर 5 किलो और कम करेगा बाद तो 25,000 दे। कुछ बोले है कहते? अब बोले का बा? नानू नहीं, जल्दी आउट हो। जाते हैं पहले बंदा भाई, बहुत सुंदर मैडम। गाइस, आज मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। सरप्राइज? मैंने तुम लोगों के लिए एक स्पीच रेडी की है। पर सरप्राइज की बात ये है कि मैं वो स्पीच भोजपुरी में सुनाऊंगी। अरे, 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 अरे। लेकिन एक सेकंड, उसमें मेरा हीरो कौन बनेगा? ऐजे हमरा से सुंदर केहू नेखे। हैं, हम तो से कम ही का। ए, सुन मैडम, कलर पे मत जाइए, जज्बात को समझिए। जज्बात, हम हीरो बन सकेला। मैडम, छोटा चेतन के भी ट्राई कर सकेले। हम बड़ी हीरो नंबर वन हीरो के। हम का बोली, हमरा के तो भगवान पहले ही से मिस फायर बना दिलवा। मैडम जी, हमरो के लेके ट्राई कर सकेले, खिजाब लगा ले तो करिया हो जाई केस। नहीं नहीं अंकल, आप रहिए। हाडा, मैं अपना हीरो बताशा को बनाऊंगी। अपनी रोमांटिक स्पीच में तुम्हारे साथ बोलूंगी, ठीक है? थैंक यू मैडम। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ई सब एगो इबादत बा। आज हमरा मन में ऐसा अरमान जागल बा जे एगो लड़की के श्रृंगार होला। ऐसा श्रृंगार जे लड़की सिर्फ अपना होखे वाला राजकुमार के सामने करेली। आज हम ईश्वर के साक्षी मान के सबके सामने कबूल कर रहल बानी कि हमरा के केहू से प्यार हो गइल बा, और ऊ केहू और ना, हमरा सपना के राजकुमार रउए बानी। आई लव यू। कैसा था? हाँ। बताशा, हाथ छोड़ो। अच्छा था ना? जी,
मजाक रहल का? मेरी भोजपुरी अच्छी हो गई है ना? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ए बाबू, हमने के चले के बाद छठों के तैयारी करे। हाँ हाँ, भोजपुरिया समाज में छठ के बड़ा महत्व में बैठे आ, बड़ा ही पावन पर्व है। चले के बाबू हो तैयारी करे। मैं भी छठ देखूंगी। हनीमून पे जाए। हनीमून। ए, ते हनीमून पे जा के काम नहीं बे। हम थोड़े कुछ करब। हाँ। तो जवन करी हमार मर्दन करी। अरे जा रे कंता। अरे नाम लेता। देख जल हाथी।
मर्दवा इनके मौसी पहुंच चुका रहो एक दली सुसेन बैद कहा मिले सुसेन बैद का भाई हमारे मोटापा कम कर एक नाम पे 25,000 रुपया ही ठला है 25,000 हाँ हाँ अब दवाई मांग ली हाँ तो बाबू घरे थे लेकिन ही भेजा ले लेकिन लेकिन ये हमसे कह रहा है हमके दौड़ा के धाई ला फिर जोन जोन मन करे तोन तोन तू कहला अरे वाह अरे तो राजा टॉप हम लगली दौड़ावे अच्छा हम जल्दी दौड़ा के पाई जा आ दौड़ा ले रही हां मत दौड़ो दौड़ो थमा तारी सूख गई पकड़ाइल की ना अरे घंटा पकड़ाइल बस बस वजन गेली 5 किलो कम हो गई तारिया सूख गए तो 5 किलो कम हो गई घंटा दे रहे दवाई ओ चीटिंग इस चीटिंग का बदला लिया जाएगा ओके तू 25,000 का और व्यवस्था कर ए मर्द फिर एक बीघा खेत बेची बेचता बेच दे नहीं हां अब फिर से बबुआ उहे लइकिया के भेजी हां और सब मिलके सामूहिक चमत्कार कर जाई अरे वाह ओके ओके ढुकिंग साहब अरे प्रणाम डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम जोन दवाई देले हले रे हां एक के खुराक में बहुत फायदा कर गई फायदा कर लेबा बहुत सुंदर ऐसे करी हाँ हाईली 25,000 और अच्छा एक खुराक और तो नहीं उहे दोया भेज दी अच्छा आए हनु बहुत सुंदर हनु अरे रहुआ महाराज अब की तो एकदम ईमानदार लेखा बतियाओ तेरी कोनो सवाल ना कोनो जवाब कोई नहीं अरे डॉक्टर साहब आप जैसन डॉक्टर से कौन सवाल और कौन जवाब लेकिन साथी भेज दो जी हाँ एकदम भेज दे अब की तरह पहल को दवाई से एकदम कारगर दवाई भेजब बहुत बढ़िया रुआ निश्चिंत होके जाई तनी जल्दी भेज ले उठ उठी ना उठी पगल में टेबल हाँ ठीक बा हे भगवान वो सब तो ठीक बा ये बताओ सबसे पहले चमत्कार के कोरी बहु देखा हमार चल दवाई एनाते हमारे बस के कुछ ना हो हम करब हम नहा के सेंट उठ मार के आइल बानी हां लॉटरी निकालल जाओ ई तरीका अच्छा कंती तू का बोला तरु मो तो खाली देखो जय मऊगो देखा भाई कोनो काम में सबसे छोट के पहला अधिकार होला हम सबसे छोट बानी पहला अधिकार हमर बा हम तो बुरबक है आ खेत बिकल हमार 50,000 हमार गई चमत्कार करबो तू लोग आगे लगे चुप चुप मिस्टर मेट्रो लेकिन आप कौन हैं हम तुम्हारा इंपोर्टेड मेडिसिन है हमको डॉक्टर शुकेन साउथ अफ्रीका से इधर भेजा तुमको पतला करने के वास्ते साउथ अफ्रीका लेकिन आप हमारी दवाई कैसे करेंगे हम बताता मिस्टर मेट्रो तुम आगे भागेगा हम तुम्हारा पीछे भागेगा और हम जब तुमको पकड़ लेगा तो तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकता कुछ मतलब तुम्हारा टाइम शुरू होता है जिंगल लाला मिस्टर मटरू वेयर आर यू मैडम जी ई तालाब के ताजा ताजा मछलियां अपन हाथे से बनी ले बन थैंक यू जी नमस्ते मैडम जी नमस्ते रुआ बहुत कमजोरी हो गई हुई यही से रुआ खातिर अपना हाथ से चौन प्रास बना के ले आइल बनी अरे रुआ खाए तो बहुत ताकत हुई थैंक यू अच्छा मैडम जी सुखेनवा का चौनप्रास रउआ मत खाई मुझे सब भैंसी के लीद डाल के बनावे ले हाई देखी रउआ खातिर अचार ले आइल बानी आम के खा ले थैंक यू मैडम जी गरमा गरम
रोटी सब्जी और सेवई दाल भी बा। थैंक यू। इस मैडम जी छोले बहुत खुशबू वाला छोले बाटे हम खुद से बना लिया। शुद्ध देसी घी तन भी खुश मन भी खुश। थैंक यू। हाँ बाय। हेलो मैडम जी। बताशा अब तुम क्या लाए हो? ये कुल का लाल हुए कुल बैल बुद्धि बिंध्या चले हुए का? मैडम जी हम तो रुआ खातिर स्पेशल चीज लाए हैं। सबसे पहले ये चना। चना चना के साथ थैंक यू सो मच। चलो चलो। बताशा यार तुम बहुत क्यूट हो। वो बाकी लोग क्या लेके आए थे? सब सब गधाएं ससुर। पागल कैसा लागल है? एक नंबर। ये हमारे यहाँ के स्पेशल ब्रांड हो। बहुत आएगे लैला बोलल जाला। पर थोड़ा तीखा है। तीखा नहीं है, तीखे में वो थोड़ा सा एंजॉय करने वाली बात है। ओके। अच्छा मैडम जी रउआ तनी कम पील करे ना तो लीवर खराब हो जाए। लेकिन तुम ज्यादा पी सकते हो, तुम्हारे लीवर ज्यादा बड़ा होगा ना? हमारा तो तीन तीन लीवर है। प्रणाम। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम। बतासा कहाँ बा चाचा? हमारा का पता बा कहाँ बड़े बतासा? दिन भर तो तारे लोग सतवे रहता। मतलब घर में नहीं खे? अरे कोहा तनी नहीं खे तो नहीं खे। हाँ अच्छा मैंने नहीं खे नू ये हमने के पत। अरे ठीक है बेटा। अरे कहता रहे नहीं खे तो काहे बात बड़ा होता रहे। चला चला तो हम कहाँ कुछ बोलता नहीं मटे। हमारा कहाँ मालूम बा? मैडम के साथ भी अरे पटावत हो। बतासा कहाँ बड़े? बतासा के ठेके ले बनी का हम। मैडम जी आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू बताशा। हमको आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू बताशा। अब ना तुम जा जा के सो जाओ। अच्छा मैडम जी। मैं भी सो जाती हूँ। हाँ ठीक है मैडम जी। बहुत रात हो गई है ना इसलिए सुबह उठ नहीं पाऊंगी। ओके मैडम जी। थैंक यू। गुड नाइट। कहाँ गए रे? अरे तुरे से कुछ पूछा था नहीं, बताओ कहाँ रह लिया रे? अरे मुंह कहते कहता रे, कुछ बोलो बे। हेलो माय फादर, आई लव यू। मैडम जी I don't
की देता रुझान सा के बाद खाए पिए का तकलीफ हो गई हो। तू तो सुखा के एकदम लाठी हो गई हो। हमार लोठिया कहाँ थले बड़ूल हो? मैडम जी, खाए पिए करो। ना तो सब का कही कि गांव में खाना पीना ना मिले लो। हाँ। अच्छा। हाँ। मैडम जी। हे। हाँ। हे। कहाँ तक जा रहे रे? मैडम जी कहाँ गई नी? मैडम? हाँ। कौन मैडम जी? अमर पल्ला के सपना देख रहे क्या रे? खामोश। सम्मान के साथ नाम लीजिए, आम्रपाली जी। अच्छा, एक मिनट। है माई? माई? माई कहाँ भी रे? मैडम जी, बड़ा मुश्किल से सिगरेट चुरा के ले आनी है। मुखिया जी के पता ना लगे के चाहे ना तो बहुत मारी बढ़वा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, चुप रहो। अच्छा। और सुनो, हाँ। तुम किसी अपने दोस्त को बताना भी मत, क्या सोचेंगे सब? ना ना, हम क्यों सुना बताएं? लेकिन मैडम जी एक बात बोली, रउआ जैसा दोस्त पाके ना हमार किस्मत धन्य हो गई। और सुनी, इस सिगरेट और शराब थोड़ा कम पियल करी, इससे तबीयत खराब हो जाला। अरे मैं कभी कभी पीती हूँ, हमेशा नहीं। अच्छा, लेकिन तुमने कहा ना बताशा, तो अब देखना मैं छोड़ दूँगा। चल जे। मैडम जी, इस तरह भूत लोग आ गए ले। बतासा, कहाँ बड़ा हो? अच्छा बताशा, हाँ। अब मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में फिर मिलूंगी। बाय 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 बाय। ऐसे का दिखत रहा लोगन? अंदर काकर रहा तोरी लोग। अंदर? हाँ। अंदर का कुछ ना?
चरित्रहीन ही अकारे। का कहले बुढ़ऊ? का कहला? आम्रपाली मैडम को तू चरित्रहीन बोल लो? मार के चश्मा फोड़ दे तोहर। पगला गेल हो का? अच्छा, तनी दुनु जन अंदर खुचुर पुचुर करत रहला पगला हम गइनी जा। अरे यार, हमनी के तो सोचन की अच्छी लड़के हुई, लेकिन ई तो हिस्ट्री सीटर निकल गई। बाहर पटवा फाड़ दे बाबा हम। अरे हमारा तो पहले ही से शक रहे, ई दाल में काला जरूर बा। हाँ, सबके भरमौले बिया और चपका लोग। सुना ना, अच्छा हिरोनिया के प्यारो बैल बनाता चीनी के बोरा से गोर के लुगा गइल बा। लूटा ए राजा लागल रह बतासा ए भगवान। अरे कैसे बताई नन के सिगरेट पियत रानी हो जाए। मैडम जी तो उन्हें धर्म संकट में फंसा लू। नमस्ते अंकल। अरे बिटिया तू यहाँ कैसे? अरे बताशा कहाँ है अंकल? मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। महापंचायत चला था 4 घंटा से, कुछ बतावे तो अब नु हम जानी। अच्छा कोई खास बात है क्या? खुद जाके पता चले। अब जमन हो, जब पैसा वापस करे बारी तब पता चले। तो लगन तो का करी? उड़त रहे पैसा तब। कहाँ से आई दूसर? हाय गाइस। नमस्ते मैडम। क्या हुआ, आप लोग बहुत टेंशन में लग रहे हैं। मैडम जी वो का है ना कि पतासा एगो प्रोग्राम खातिर सट्टा बुक कर लेले बड़े। तुम जुआ खेलते हो? ना मैडम जी, सट्टा मतलब जुआ ना, वो प्रोग्राम का बुकिंग ले ले रहनी हो। ओ तो बड़ी मुसीबत हो गई हो। वो जवन सट्टा देले बानू वो बी क्लासिक कंपनी का मालिक है संजीव कुशवाहा, बहुत बड़ा आदमी हो। अब बड़ा मोटा रकम देले हो। अब कहा था कि मुंबई से कोनो डांसर मंगाओ, ना तो पैसा वापस करा, पैसा खत्म हो गया, सब खर्च कर दे लोग, अब कहाँ से वापस करी। अरे बस इतनी सी बात है जी? इतनी सी बात के लिए चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी दोस्त मैं कब काम आऊंगी? मैं मेरे क्यूट फ्रेंड बताशा के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम ना सट्टा फाइनल करो। ओके। मैं मुंबई से मेरी फ्रेंड संभावना सेठ को बुलाती हूँ। लेकिन एक शर्त है, तुम लोग में से कोई भी स्टेज पे उसके साथ जाएगा नहीं डांस करने। उसके साथ सिर्फ मैं ही डांस करूंगी। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ वी क्लासिक के चेयरमैन मिस्टर संजीव कुमार कुशवाहा का, जिन्होंने एक खास प्रोग्राम आपके लिए आयोजित किया है। तो दोस्तों इस महफिल में आ रही हैं मिस संभावना सेठ, दुनिया में नाम कमाने वाली फिल्म अभिनेत्री मिस अमरपाली दुबे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मेरा सजना सवरना है किस काम का, माला जपते हो तुम औरों के नाम का। हाँ मेरा सजना सवरना है किस काम का, माला जपते हो तुम औरों के नाम का। बीबी हूँ तो बीबी की कदर होगी क्या, पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारे जान लोगी क्या, पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारे जान लोगी क्या।
नहीं रुके, पेट के नीचे साड़ी हमारी, जान लोगी क्या? कहीं रुके, पेट के नीचे साड़ी हमारी, जान लोगी क्या? खुली चुनौती, खुली चुनौती, खुली चुनौती। ध्यान से सुनी रउआ सभे गांव वाला खातिर एक सुनहरा मौका, 50,000 रुपया जीते खातिर। रउआ सभे गांव वालन में से जे भी संतोष पहलवान के दंगल के महामुकाबला में हराई, ओके 50,000 रुपया नगद इनाम दिहल जाई। मुखिया जी, ये अनाउंसमेंट कैसा हो रहा है? मैडम जी, प्रदेश के बहुत बड़ा पहलवान आयल बा, इनका ही प्रदेश में कोई ना हरा पहला भाई, जे भी इनका हराई ओकरा 50,000 के इनाम बा। 50,000? अरे वाह, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनको हराने के लिए तो हमारे छोटे पहलवान झटका प्रसाद ही काफी हैं। ये पीती ये हमसे लड़ी ना मैडम जी, ये तो हमरा के पटक पटक के मुआ दी। झटका, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ मैडम जी, बहुत भरोसा मैडम जी। तो हाँ बोल दो, मुझे पूरा यकीन है कि जीत तुम्हारी ही होगी। जियो झटका, लड़ जाओ। पहलवान। ठीक है मुखिया जी, तो आप इनसे कह दीजिए कि कल इनसे कुश्ती हमारे झटका प्रसाद लड़ेंगे। जियो। पहलवान, बिहाने तू पूरी तैयारी के साथ आया, कहे से यहाँ से जाए लाइक ना बचवा। जय झटका। लगावा, अच्छा से लगावा। मैडम जी, अरे चलो। ये क्या होता रे? अरे बाबूजी, माई चोखा बनौले हो जाके खाता घरे में। अच्छा हाँ, ये ड्रामा क्या होता? अरे कुछ ना होता, जा तू खाना खा। हट, बैल कहीं का। मैडम जी, बाप हमार पगला गए हो। बुढ़वा गई, जल्दी तोरा तू पहलवानवा ना कच्चा चबा जाई। हमर पाली के इंप्रेस करे के चक्कर में फंस गेल बड़ा बेटा। एहो हनुमान जी, ई झटका के बचा लिया। बचा लिया, हम तो कहता नहीं, अब टाइम बा मान जा। अरे हमरा तो चिंता बाकी कल से नगाड़ा के बजाई बाबू। अरे महाराज, हम तो ये चिंता में है कि तेल मालिश होत कहे हो, तमन पलान बनोले बड़ा लोगन। मैडम जी, पलानवा बता दी। मैडम जी, तो मैडम के कुल प्लान ई बा, तोनी सब जे तेलवा मालिश करता रह, उ तेल में डूब डूब के डूब डूब के हमरा नस नस में रोम रोम में तेलवा घुस जाए, और तब हम चिकनी चमेली हाँ मछली के जैसन फिसलब। और उ संतोष पहलवनवा जैसे आई हमरा से लड़े, हम ओकरे में जाए और घुस जाए ओकरे भीतरी जाके ओकर अदरिया के हेने से होने होने से हेने हेने से होने होने से हेने कल गिरा दे। फिर वैसे ही मछरिया मापी पूछ से बाहर आ जाए। अरे गुरु, ये कुल प्लान मैडम जी के बा। क्या बात है, थैंक यू मैडम जी। अरे अरे,
रे, जिंदगी रही तो बहुत पहलवानी हुई। चल भाग। दोस्तों, आज ये सौभाग्य की बात है कि अपने गांव में महादंगल होने जा रहा है, कुश्ती का महादंगल, जिसमें अपने प्रदेश के सबसे बड़े पहलवान संतोष पहलवान आ रहे हैं। और ये भी सौभाग्य की बात है कि अपने ही गांव के झटका प्रसाद पहलवान उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, जो यहां आ चुके हैं। झटका प्रसाद जी पहले पहुंचकर माटी से माटी रगड़े हुए हैं। देखने से तो ये लग रहा है कि विश्व में शायद इनके जैसा पहलवान कोई नहीं होगा। आप धैर्य रखिए, अब संतोष पहलवान पहुंचने ही वाले हैं। झटका प्रसाद, अब कुश्ती दंगल एकदम चालू होने वाला है। झटका प्रसाद, झटका प्रसाद जी, संतोष पहलवान भाग गिर आए। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस मुकाबले में हमारे प्रदेश के सबसे बड़े पहलवान जो संतोष पहलवान आने वाले थे, वो झटका प्रसाद के डर से भाग खड़े हुए, उनकी। और अब हमारे गांव के झटका प्रसाद जी पहलवान को 50,000 रुपया से पुरस्कृत किया जा रहा है। झटका प्रसाद जी जीत गए, संतोष पहलवान भाग खड़े हुए। बाहर हमारे गांव की मिट्टी, और झटका प्रसाद बड़े बहादुरी से जीत गए। झटका प्रसाद जी का स्वागत है इस मंच पे। झटका प्रसाद जी आइए। संतोष पहलवान के भाग जाने के कारण, उनकी जाने के कारण अब इनाम दिया जाता झटका प्रसाद जी को। झटका प्रसाद जिंदाबाद, झटका प्रसाद जिंदाबाद। अपने ही गांव के झटका पहलवान जी को, झटका पहलवान जी को अब अम्रपाली मैडम जी के हाथों 50,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी धरती धन्य हो गई झटका प्रसाद जी के आने से। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे झटका प्रसाद पहलवान जी दो सब अपने मुखारविंद से बोले। कोटि कोटि धन्यवाद मैडम जी, आपने झटका प्रसाद को पहलवान बना दिया। झटका प्रसाद जिंदाबाद, झटका प्रसाद जिंदाबाद। ओके ओके बाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। अरे बैठो बताशा, क्या छुपा रहे हो मुझसे? मैडम जी, आप खाते ने को गिफ्ट लाए लें। तो दो ना। लेकिन पता ना आपके पसंद आई कि ना। अरे दो ना। कितनी पैकिंग किए हो? हाँ, ये साड़ी है जी। थैंक यू सो मच बताशा, तुम्हारी चॉइस कितनी अच्छी है। आपके अच्छा लगा? बहुत सुंदर है। थैंक यू मैडम जी। यू वेलकम। बहुत अच्छा लग रही है। बहुत अच्छा लगा तो मैडम जी। ए बताशा, एगो बात बताई मैडम वाली नु, तोर बड़ी तारीफ कर ली। सही देखलस ना, कोई के बात न सुनली तोरा छोड़ के। जानत रहे इस सब तोर पर्सनालिटी के कमाल बा। पर्सनालिटी के सही नहीं, हमार पर्सनालिटी हो अलग लायो जा मर्दे। अरे तू गोविंदा से कम नहीं खो। मैं एकदम सही। अरे तुम्हार किस्मत दरवाजा पर इंतजार करती है। ए बता सा, सही समय देख के आई लव यू बोल देना यार। हमें डर लगे लो। मैं अरे जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं रे पगलू। हाँ, तू प्यार करे लकी ना? हम तो करे नहीं। बस करे लनू। हाँ ए
है मैडम जी आओ तारी एकदम एकदम सही समय बात आई लव यू बोल दो ऑल द बेस्ट ए रुको रुको हाय गाइस मैडम नमस्ते नमस्ते मैडम कुछ कहना था क्या हाँ मैडम हम कुछ कहल चाहता नहीं तो बोलो अरे बोलो ना लाज लागता हूँ अरे यार बता शाम मुझसे कैसी शर्म बताओ आप फिर दोबारा कहो बोलते हो अच्छा ठीक है मैं मुखिया जी के यहाँ लंच पर जा रही हूँ बाद में मिलते हैं ओके मैडम जी बाय बाय तारे ए जीवन में तोरा से कुछ हो ना हो सके काहे ना बोले रे अरे डर लागत रहला महाराज जवन हो ए बाबू तू इनहन के चक्कर में मत पड़ ना ताम्रपाली जी के साथे साथे मुखिया जी भी तोहर कांच बहरिया दी ए सरवा जब बोलिया सुबे बोली तू चुप तू देख ना भरदावा हां कैसे मैडम जी तोर गलिया मिसत रहनी हां हमरा तीनों पजिया ये लेती और तू आई लव यू ना बोल पा तू अरे आई लव यू तो ऐसे कहा था जैसे हलवा हो अम्रपाली मैडम के सामने गनी था हम कापत रहे डर के मारे इसे एक काम हाँ कागज पे आई लव यू लिख के हाँ मैडम जी के दे दे बल जाओ लव लेटर टाइप ये आइडिया बढ़िया हो हनु अरे बताशा आओ बैठो कुछ काम था जी मैडम जी हाँ मैडम वो रास्ता में जवन बात हम कहल चाहत रहनी हो तक कहना पहले रहनी हो वो बात ही चिट्ठी में लिख देले बनी बताशा इस चिट्ठी में तो तुमने मेरे दिल की बात लिखी है मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ सच्ची मैडम जी आई लव यू बताशा हेलो हेलो बताशा कहाँ हो तुम मैडम जी घर हैं अपने सुनो जल्दी से मुखिया जी के घर पर आ जाओ मुझे तुम्हें कुछ बताना है हाँ जी मैडम जी हम आओ तनी हाँ आओ तनी मैडम जी बिल्कुल भी लेट मत करना बहुत जरूरी बात है जल्दी से आ जाओ हाँ मैडम जी आओ तनी हटाओ मैडम जी अरे बताशा कहाँ थे तुम मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ आज मैं मुंबई जा रही हूँ मैडम जी इतना जल्दी जल्दी एक महीना पूरा हो चुका है क्या बात है बताशा तुम परेशान लग रहे हो सब ठीक तो है ना मैडम जी दिन रवा से कुछ कहल चाहत रहनी हो ना कह पैनी आज वो बात कहल चाहता नहीं अरे रुको उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ एक मिनट रुको राहुल फियांसे हेलो सर हाय मैडम जी फियांसे का होला फियांसे मतलब मंगेतर मेरी इनसे शादी होने वाली है ये कैसे हो सके मैडम जी प्यार तो रहुआ हमसे करे नहीं फिर शादी इनसे कैसे करब ये क्या बोल रहे हैं एक सेकंड बताशा मैडम जी हमारा साथ बैठ के प्यार मोहब्बत के बात करब हमारा साथ सिगरेट पियब दारू पियब हमारे गाल में इसलिए गाल चुमले भी आखिर के करेला मैडम जी वह नू जी प्यार करेला प्लीज मैडम जी बताई ना कि आप हमसे प्यार करें नहीं अरे बतावा ना मदरू यार बतावा ना मैडम जी तोर दिमाग ठीक बन गया हमारा दिमाग ठीक है पूछा ना मैडम जी बताई ना प्लीज मैडम जी आप रोना जाए आम्रपाली एक मिनट मैडम जी कह दी ना कि आप हमसे प्यार करें नहीं मैडम जी मैंने कहा गाड़ी में बैठो अरे एक मिनट राहुल मुझे समझाने तो दो मैंने कहा गाड़ी में बैठो अरे राहुल मुझे अरे
पूरे एक महीने बाद तुम मुझसे मिल रहे हो राहुल, और ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है अम्मू, तकलीफ हो रही है मुझे। लेकिन राहुल, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। एक तो मेरे लाख मना करने के बाद तुम इस गांव में आके रुकी, आखिर हासिल क्या कर लिया तुमने? बहुत कुछ, इतना कुछ कि अगर मैं इस गांव नहीं आती तो शायद लाइफ की कई सारी चीजें मुझे कभी पता ही नहीं चलती। इस एक महीने में पूरा जीवन जी कर आ रही हूँ मैं राहुल। अच्छा, और वो क्या था? क्या क्या था? वो जिसने मेरे सामने तुम्हें आई लव यू बोला। यार तो वो उसका प्रॉब्लम है, मैं तो उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। दोस्त मानती हो, इसीलिए तो हिम्मत बड़ी ना उसकी। देखो अम्मू, अकल तो तुम्हें है नहीं, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें इस गांव में आने दिया। और तुम्हें पता है इन गंवारों के बीच में रह के ना तुम भी गंवार हो चुकी हो। जी नहीं, ये लोग गंवार नहीं है। इस एक महीने में जीवन जीने के सारे मायने सिखा दिए वो लोगों ने मुझे। और जहाँ तक रही बताशा की बात, हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। यार गलतफहमी हो गई होगी? अरे वो गलतफहमी में ही जी रहा है, सुना नहीं तुमने? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अगर तुमने मुझे उसे समझाने दिया होता ना तो उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती। वो बहुत भोला है यार, बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बहुत साफ है। पता नहीं लोगों ने उसे कितना मारा होगा, तुम ना मुझे कभी नहीं समझोगे राहुल। यू रियली हर्ट मी अ लॉट टुडे। बेचारा बताशा। अम्मू आई एम सॉरी। जाओ यार प्लीज। मेरी आंखों की तू है रोशनी, मेरे जीने की तू वजह, मेरी हैसियत तू, मेरी शख्सियत तू, मेरे दिल में हर जगह। मेरी आंखों की तू है रोशनी, मेरे जीने की तू वजह, मेरी हैसियत तू, मेरी शख्सियत तू, मेरे दिल में हर जगह। भूल जा भी हुई भूल जाना, आई एम सॉरी आई एम सॉरी I am sorry, baby, I am sorry. दिल की किताबों में नाम है तुम्हारा, रंग तेरे प्यार का चढ़ा है इतना गाढ़ा। ख्वाबों ख्यालों में बस तू ही आती है, तेरे बिन ये दुनिया कुछ अधूरी सी रह जाती है। रूठ के ना कभी दूर जाना, I am sorry, I am sorry, I am sorry baby, I am sorry. उदासी क्यों चेहरे पे आई है, जैसे चांद ऊपर बदरी सी कोई छाई है। नजरें मिलाओ ना, जरा मुस्कुराओ ना, देखो ना सताओ बेबी, मान भी अब जाओ ना। माफ कर दो मुझे जाने जाना, I am sorry, I am sorry, I am sorry, baby, I am sorry. अब बता सा, अब आपका आपका मुखिया का कैप्टन आया, हम जबरदस्ती खेती गाड़ी में लेकर ले जाए, देखा तो ना रहा
गाड़ी के अंदर से कूद जाए चाहत रहनी, लेकिन ना खींच के ले गई। गाड़ी के अंदर से चिल्लात के रहनी हूँ। और एक बात मैडम जी, कौन साड़ी पहले रहनी हाँ, वह साड़ी जमन साड़ी उनके गिफ्ट में देले रहनी हाँ। एक मतलब का भाई, एक मतलब साफ हो कि मैडम जी हमारा उतने प्यार करनी जितना हम उनका थे। शादी उनके मर्जी के खिलाफ हो रहा बा, कोनो न कोनो मजबूरी हो। देख बता सा, हमार सलाह एक बड़ी ध्यान से सुन ले। अम्रपाली मैडम के सपना समझ के भूल जो, यही में तोर भलाई साथ साथ हमनी के भी भलाई बा। बिल्कुल सही कह रहा बाटे, पगला मत। ए नौटंकी मंडली, कान खोल के सुन ले। गांव के इज्जत में अगर थोड़ा भी पाटा लगल ना, अभी तो लाठी से मार लेंगे, तोरा गोली मार दे। तहरा चक्कर में ई दिन देखे के पड़ा था। बोला अब बोलत काहे नहीं खा? अरे ई का बोली है, इन करा माथा पर तो ऊ मैडम के मोहब्बत के बुखार चढ़ल बा। अरे रागल बा, इनकी चक्कर में सबका पिटाई हुई एक दिन। चलो अरे चलो चलो चलो। का भाई जी? का भाई है? तार बेटा हमर ना कटवा दलस गांव के सामने है, ससुरा के बखलोल खाली सूरत बा, हीरोइन से ब्याह करे कहता हमर पाला से। का रहुआ दिन भर आम्रपाला लगौले रहले जी है, बुझात नहीं खे है? अच्छा, हमार बेटा दिन भर के भूखल पियासल एने ओने जंगल जंगल कहां कहां भटकाता, एकर चिंता नहीं करे रहुआ के? अरे चुप, तारे बिगाड़ल हो, तारे बिगाड़ल। हमरे बिगाड़ल बा, हमरे बिगाड़ल बा जी, हमारी इकलौता बेटा हमरे बिगाड़ल बा, हमार करे जा फट। आगले तारे इकलौता बेटा, रे कहां रहले? अरे रे कहां रहले हा? हम पूछे तानी ना, धीरज धरी हम बात करे तानी है। हे कहां रहले? अरे बतासवा, आप तोरा से पूछा तानी। हम बतियावा तानी ना जी, रहु का एकदम से। हां जा, अपना साहब का दूध भात खिलाओ, दूध भात। जा अरे महतारी बेटा, पागल को दिए था हमरा के। अरे बाप रे बाप, पूछा था कि ए बतासा, काम धाम हो ई कि ऐसे ही मजनू बन के जीवन बिताइबा? अरे मर्दे लीहल सट्टा वापस हो जाता, बाजार में नाम खराब होता तो न लगे, काल से प्रोग्राम हो ना मिली। और का, ये ऑर्केस्ट्रा के जमाना में औसो भी लोग नौटंकी ना देखे के छैला, और तू अपन ही हालत बनौले बड़ो। देखा, अपना बारे में ना तो कम से कम हमनी के घर परिवार के बारे में सोचा यार। और का, जाए मर्दावा, तू उन लड़की खातिर मजनू बनल बारा, जे एक पर गैलिन तो तोरा के पीछे उमड़ के ना देख लिन। अरे प्यार मुझे ऐसा बीमारी होला जे कपार पर चढ़ जाए तो 56 गो नाच नचावेला। तो हम लोग उनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, हमार सोचे समझे का क्षमता खत्म हो गए। प्लीज हमके कुछ देर अकेले में रहते लोगन, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चल चला सा, जाए तो जो समझावे करला समझा देले बाद में। अब तेजी जान ले ले प्यारी ऊ बीमारी हाँ, जिया तेजी जान ले ले प्यारी ऊ बीमारी हाँ, रुक रुक के सांस चले दिल के बेकरारी हाँ, जिया तेजी जान ले ले प्यारी ऊ बीमारी हाँ, जिया तेजी जान ले ले प्यारी ऊ बीमारी हाँ।
छुट्टी के मारे हर एक रोग पे ही भारी हाँ। जी या तेजी जान ले ले प्यारी वो बीमारी हाँ। जी या तेजी जान ले ले प्यारी वो बीमारी हाँ। तेजी जान ले ले प्यारी वो बीमारी हाँ। जिया तेजी जान ले ले प्यारी वो बीमारी हाँ। काहो बता सा काहे के बोलोला हमनी के हम मुंबई जाए के फैसला कर ले ले बनी काहे के काहे से कि हमारा के पूरा विश्वास बा कि मैडम जी भी हमारा उतना ही प्यार करेनी जितना हम मैडम जी से करेनी। और राहुल मैडम जी के वक्त परेशान कर रहल होई कौन है दुनिया में जी रहल वाला मर्द है। अरे वो फिल्मी हीरोइन चार दिन तोरा से प्यार भरी बातें क्या कहलस तू अपन औकात भूल गइलो। नाटक कंपनी के बारे में कुछ सोचला कि ना काहे अपन बसल बसावल घर उजाड़ा तड़ा बता सा तनी सोच। अरे ई का सोची है इनका दिमाग पड़ता ओकर ओकर हीरोइनिया के ना प्यार के बुखार चढ़ल बा इनकर सोचे समझे की शक्ति खत्म हो गई बा। जवन सोचे के मतलब होके सोचा लोगन हम तो मुंबई जाए के फैसला कर ले ले मानी रहल बात नौटंकी कंपनी का तब तो हम लोग बाड़ा नू संभाल लिया मान तो करा था कि एक हाथ खींच दिए जे लेकिन तहार किस्मत पे ना तरस आ रहल बा तरस। अच्छा सुना तहरा आत्महत्या करे के शौक बानू तो अकेले करा आत्महत्या जा मुंबई तहरा जाए के बाद तो अकेले जा तहरा बर्बादी में हमनी के सोंगे नहीं खींच। अरे चल सा चल चल बैठ बड़ा जिद्दी बड़ा यार तू हमनी समाज ले तार सुख दुख में साथ निभावनी जा तो तू का सोचा तारा कि ऐसे दुख के घड़ी में हम तारा के साथ छोड़ दे। हाँ बता सा तू का सोचला तू अकेले चल जा हमनी के छोड़ के हमनी के तोहर साथ ना दे जा ना बता सा हमनियो तोहरी साथे चलल जाए। नाटक कंपनी तो बंदे हो गई अब जे भी बचल खुचल जिंदगी बा ताहरे साथे बर्बाद हुई। बताशा हमने के साथे जिये मरे के कसम कह ले नहीं भूल गई ले। चुप रहा बताशा तू जान तड़ कि हमरा घर में बुजुर्ग माई बाबा जेकर सहारा अकेले हम ही बानी बाकी चिंता मत करिया बम्बई में हमारे को दोस्त जिम्मी रहेला ओकरा के हम फोन पर बता देले बानी
और इनका के एड्रेस दे दिले बानी। वो आई स्टेशन पर तू लोग के रिसीव कर ली। थैंक यू भाई। चला चला गाड़ी के टाइम हो गई। चला चला निकल जावे जैसे चला स्टेशन चल जाओ। चला चला गाड़ी के टाइम हो। ये घर है। आओ आओ बैठा 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 बैठा। गोड़ लगाता नहीं। बाप रे। बैठा बैठा। बता सा भाई, ये बात तुरा दोस्त के गरीब खाना। घर तो बहुत छोटा बा, लेकिन तुरा दोस्त के दिल बहुत बड़ा बा। कुल मिला के ये एगो छोट रूम बा, यही में तोहनी के सूते के पड़ी। जिम्मी भाई, नीत कहाँ रहलवा? बस एक बार मैडम जी से मुलाकात हो जाओ बस। ठीक बा, पहले पानी पिया। ला 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 ला, ला। हमरो पानी जावा। तू ला। पानी पिया। बताओ सा भाई, तूने क्या हमर बात माना? ये सब चक्कर में मत पड़ा। मुंबई आला है, कुछ दिन घूमा फिरा टहला, अपन गांव चल जा। कहे कि ये माया नगरी के समझे के चक्कर में हमर जिंदगी बीत गई, लेकिन आज तक एकरा के समझ ना पाई। तू अपन जिंदगी बर्बाद मत करा, जा गांव चल जा। जिम्मी भाई, अब तो हमारा जिंदगी का फैसला मैडम जी के हाथ में बा। बिना मिल लेना जाए। ठीक बा, उनके कोई नंबर पता हो तो बा। हाँ, एगो कार्ड दे ले बनी। ठीक बा भैया, आज खा पी के आराम करा, कल चल जाए। ठीक बा। बताशा, तुम आ गए? जी मैडम जी। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने मुंबई जरूर आओगे। काबिल, अरे यार, ये राहुलवा ससुरा सपनों में मैडम जी से मिले नहीं के दे। दूर मर देवा, सुत जा। सबरे मैडम के बंगला पहले चला। ए भैया, सुत जा। सुत जा, बता। चला मर दे, सुत जा। बत, सुत जा। ओय माई, अरे माई माई, अरे अरे मोरी माई। अरे के आवाज कर रहा था रे? ये कंतावा मारम साले, चटपटे फाड़ जाए, सुतवे की ना। अबे तू का मारब, शांत रहो। अरे ये खुला था, खुल गई, खुल गई। सर नमस्ते। रुके, कहां जा रहे हो? मैडम से मिला साहब। कौन सी मैडम से? अमर वाली मैडम से मिले। नहीं मैडम नहीं है। हां तो नंबर दे दीजिए। अरे भैया, उनको जाकर बोलिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो भोजपुरी सीखने गई थी ना, वही गांव का लोग आया है मिलने के लिए। बतासा बोलिए, बतासा बतासा बोलिए। अरे मैडम शूटिंग पे गई है। मैडम नहीं है। चलिए बाहर निकलिए। मर्दवाई मुंबई है, गांव नहीं के लात खिलाओ बका। बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो चलो चलो। अरे आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, निकल निकलिए भाई। चलो चलो चलो, जाइए ना आप लोग। भैया एक मिनट रुको, चलो चलो चलो। बाहर शहर मुंबई, भला आदमी पानी पूछेला, खाना पूछेला?
ससुरा डांट के भगा देले महाराज। अरे धकिया के भगा देले बा भाई, बेइज्जती हो गई। तब का करल जाओ? अरे कोयल का जाई कुछ दिन मुंबई भरमाण, अपन बाप के खेत बेच के झोला भर के पैसा लेके आइलबन बंबई घूमे खातिर। बंबई भरमन? अरे बंबई, मैडम जी के नंबर वो मिल गए हो तब वो काम हो जात। वैसे नंबर मिल सकेला? नंबर मिल सकेला? हाँ। कैसे? अरे गांव में हमनी लोग नौटंकी न कैले बानी जा, तकाल मुंबई में नौटंकी होखी। नौटंकी? अरे रुके रुके, अरे रुके, अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जाना है? रुकिए आप लोग, सर यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। खबीस का बच्चा, तुम हमको बोलती, तुमको पता हम बहुत बड़ा आदमी होते। हमारा मर्जी, जहाँ मन करती वहाँ बैठती, वहाँ सोती। लेकिन सर आप हैं कौन? तुम हमको नहीं जानती, हमको नहीं जानती। रिलैक्स सर, गुस्सा थूक दीजिए सर, मैं समझाता हूँ। अमिताभ बच्चन को जानते हो? विनोद खन्ना को जानते हो? आमिर खान को जानते हो? फिरोज खान? फिरोज खान को जानते हो? तो इन सबको किसने बनाया? इन्होंने बनाया। यस, जिसने जीरो से हीरो बनाया उसका नाम अल्लाह दीनी। कामाश। एक करे जाओ, हमने देवरिया से आयल बनी जा तुहरी मैडम के साइन करे खाते। अरे जल्दी बुलावा। 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5000। खबीश। लेकिन मैडम बाहर गई है। का बोलती? मैडम बाहर जाती, कोई बात नहीं, मैडम का नंबर देती। यस, नंबर नोट कर। मैडम ने नंबर देने के लिए मना किया है। मना किया है? मैडम ने नंबर देने से मना किया है? तुम नंबर नहीं देगा? तुमको मालूम नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके साहब आया? हम तुम्हारा मैडम को इज्जत देता है और तुम इज्जत के बदले बेइज्जत देता है। सर हम बोलता है इसको प्रोजेक्ट में दो। चलो ए वॉचमैन, तुम्हारे मैडम का नंबर नहीं देती, तुम्हारे मैडम के हाथ से बड़ा प्रोजेक्ट चली जाती, तुम्हारा बैंड बजा देती, तुम नंबर नहीं देती। भोजपुरी में कोई हीरोइन होती? अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। हम अल हबीबी को साइन करती। चलो। अरे अरे सर 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 रुकिए, माफ कीजिए सर, आपको हम पहचाने नहीं। नंबर चाहिए ना सर, आपको अभी देता हूँ। अब हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। 91 98 14 67 60। ओके सर। अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। किधर गए अल हबीबी? अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। फोन वो लगाओ भैया। मैडम ये लाइन है आपका, पढ़िए। आज हम ईश्वर के साक्षी मान के सबके सामने कबूल कर रहल बानी कि हमरा के केहू से प्यार हो गइल बा, ठीक है मैम? हाँ ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैडम नमस्ते, हम बताशा बोल रहल बानी मैडम जी। अरे बताशा बोलो, कैसे हो, कहाँ हो तुम? मैडम जी हम बम्बई आयल बानी। अब मैडम जी आपके बंगला पे गए रहनी तो पता लगा आप बाहर बानी। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि जिस फिल्म के लिए मैं भोजपुरी सीखने आई हूँ, वो फिल्म की शूटिंग करने मैं बिहार आई हूँ और यहाँ पर मेरी शूटिंग चल रही है, मैं मुंबई में हूँ नहीं। मैडम जी हम रउआ से एक बार मिलल चाहता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जैसे मुंबई पहुँचूंगी ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ठीक बा मैडम जी, थैंक यू मैडम जी। का बोल ली? मैडम जी बाहर शूटिंग करे गए। अच्छा, कहली ना कि जैसे मुंबई आए नू तैसे मिलो। अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। खामोश। बताशा का फोन था? हाँ यार, वो मुझसे मिलने मुंबई आ गया है। तुम्हें पता है मैंने यही सोचा था और यही हुआ। देखना ये आदमी एक दिन तुम्हारे लिए डर का शाहरुख खान ना हो जाए। ए आई लव यू अमृतपाली। अरे यार प्लीज, मैं उसे एक बार समझाऊंगी ना वो वापस चला जाएगा। देखो तुम उसे नहीं समझाओगी, उसे मुझे समझाने दो, प्यार से समझाऊंगा, नहीं समझा दो तुम्हें मेरा तरीका पता है, मुझे प्लीज रोकना मत उसके बाद। कूल, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पजेसिव होना ठीक है लेकिन इतना बैठो। बाय द वे अच्छी लग रही हो। थैंक यू। हे मधुर भैया, हे मधुर भैया, निकल जाओ भैया, बहुत तनले बहो भैया। जोर से लगल बका? बहुत जोर से। हे मधुर भैया निकल जा, बाद में चल जाइया हो तनी। अरे के दरवाजा ठोकत रह?
रहल। अरे हम ठोकत रहली हो भैया। अरे इतना देर से दरवाजा का ठोकत रहले रे। अरे तो भैया भीतर जाके सुत गेला ला का जाके चिल्लाता हुआ। घंटा हगी चाहे 2 घंटा हगी तहरा से कहा। ज्यादा चिल्ला मत तेज हो जिए भैया। ए बाप रे बाप। ए भैया ए भैया भैया कोला होबे के बा होए भैया। ए भैया ओकरा आवे में थोड़ा टाइम लागी। ए पहलवान भैया कर। ए पहलवान भैया बहुत तेज लगल बहुत खोल दो तनी। अरे खोल दो हो। अरे बाप रे बाप। खोला हो पहलवान भैया। अब बताओ चक्कर में काका करके पड़ा था। अरे का हम बताएं। ए भैया ए भैया ओ जी पॉइंटर में होए भैया। ए भैया पॉइंटर में हो। जो अरे बाप रे बाप। जो कांता जल्दी आओ फिर हम जाएं। आहा हम जाएं। ओके बाप रे बाप पहलौना का खाइले रहे रे। अरे बंबई ई बंबई में काका होत बारे। ए भैया निकल जो रे पॉइंटवे में हो गइल बारे। कोनो देखी तो बड़ी बेइज्जती हो जाई। ए भैया ए खदेरु निकल जा हो बाद में थोलिया भाई कहीं कहीं जा हो। ए भैया निकल जा निकल जा। जो दुहाई भगवान का। ए भैया डिस्को चलें? आज नहीं यार, कल चलते हैं। ओके, तो कैंडल लाइट डिनर चलें? नरीमन पॉइंट? वाह, क्या बात है राहुल, तुम तो आजकल बहुत रोमांटिक होते जा रहे हो। तो जिसकी महबूबा इतनी रोमांटिक हो, वो रोमांटिक नहीं होगा? हेलो मैडम जी नमस्ते। कौन? मैडम जी बताशा बोल रहा बानी। हाँ बताशा बोल। अरे वो मुंबई आ गई नहीं का? मैं राहुल बोल रहा हूँ। और सुन मेरी बात ध्यान से, अगर तूने यहाँ दोबारा कॉल करने की कोशिश की ना तो बेटा सीधा अंदर करो। इसलिए भलाई इसी में जिस ट्रेन से तू आया ना उसी से लौट जा, नहीं तो चलने फिरने के लायक नहीं बचेगा, समझा? हेलो 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 पीछे पड़ गई था। क्या प्रॉब्लम है यार? तुम नहीं मिलोगी अम्मू से। अरे एक बार मिल लूंगी तो क्या हो जाएगा? देखो एक बार मुझे उसे अपने तरीके से समझाने तो दो, फिर वो खुद ही वापस चला जाएगा। अम्मू बहुत भोली हो तुम, तुम नहीं समझती हो दुनियादारी, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो और समझो। ओके
ओके। लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव? लेट्स गो। भगवान हम तो पागल हो जाए, हमारा समझ में नहीं क्या हुआ, हमारे होलवा कवन इलाज करी आखिर। हमनियों के समझ में नहीं आवत कि ऐसा कौन सा मजबूरी बा कि अमरपाली मैडम राहुलवा से इतना डरा ली। ए भाई, राहुल एगो नामी ग्रामी मॉडल हवन। अच्छा, अब मैडम के करियर उहे बनौले बनान। बुझाइल, अब समझ में सारा माजरा आइल। मामला ई बा, मैडम का फोन है। हां, उठाओ उठाओ। हेलो, आई एम सो सॉरी बताशा, आज राहुल ने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा ना, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना मुझसे। हाँ मैडम जी। एक काम करो जी, कल तुम घर आ जाओ। लेकिन मैडम जी। डरो मत, राहुल घर पर नहीं है, और अकेले आना प्लीज। ओके मैडम जी। अब बताओ हम क्या करी। ए बतासा, अब का भइल। अरे महाराज, मैडम जी कल अपने घरे बोलावनी हा। घरे बोलावली हा, लागत है आग दोनों और बराबरे लागल भाई है भाई। लेकिन मैडम कहनी है कि अकेले यह क्यों के ले मत यहाँ। हाँ तो ठीक है, तो कहली हो, हमनी के का जरूरत बा। ठीक बा, जाइए जरूर जाइए, बाकी ऐसे ना जाइए, तनका सज संवर के जाइए। काहे से मामला मोहब्बत के न बा। अयो बनावत तनी ठूस के जाई हो, इहो मामला मेहनत के न बा। देखो कैसे शर्मावत आ रहे। बोलो बताशा, पहले बोलो कि तुम क्या कहना चाहते हो, और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, आज सब बोल दो। मैडम जी, जब से आप हमारे गांव से आए हैं, तब से हम बहुत परेशान हैं मैडम, बहुत टेंशन में रहनी, ना दिन का चैन हो ना रात का सुकून, नींद ना आवेला मैडम जी, पल भर खातिर नींद आवेला तो बस आप ही के सपना देखे ली। वो दिन जब गांव से आप आवत रहनी हाँ, और हम मोहब्बत के इजहार कहनी, और जब तक आपके जवाब आवत तो लोग हमके मारे लागल। मैडम जी, आपके गाड़ी में खींच के लेके गए ले हूं, और आप चिल्लात रहनी हमरा के बचावे खातिर, ये तो वह कर सकेला ना जी मोहब्बत करेला। हमके पता है मैडम जी, आप बहुत मोहब्बत करेनी हमरा से, लेकिन कुछ तो ऐसा मजबूरी बा मैडम जी कि आप मोहब्बत के इजहार ना कर पा रहल बानी। हमके मालूम बा मैडम जी कि हम बहुत गरीब हैं, लेकिन अगर आपके प्यार मिलल ना मैडम जी, तो दौलत भी आ जाई। मैडम जी, आप हमसे मोहब्बत करे लेनू, एक बेर बोल दी मैडम जी। हो गया तुम्हारा कह के, अब मैं कुछ बोलूं? मैडम जी, यह सुने खातिर तो गांव से शहर आ गई नी, बोली ना मैडम जी। मैं बोलता हूँ। सारा किस्सा सुनला के बाद ई तो बात तय बा कि मैडम के दिल में बतासा खातिर प्यार बा। अरे ना तो राहुला के पकड़ के मैडम बतासा के भगौले कहे के होती। हाँ हो मधेरू भाई। हाँ जाने तारा प्रॉब्लम का बा। का? जब भी हम अपना दिल का बात मैडम जी से बतावल चाहता नहीं, बीच में वो राहुलवा आ जाता। हमारा दिल का बात मैडम जी सुनिए ना पावत हई, का करी कैसे बताई हम उनके अपने दिल के बात, हम मैडम के दिल में का बा बतौले ना देता। मधेरू भाई,
का ऐसा हो सकेला कि हम अपने दिल के बात वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दें? अरे हाँ, ये तो हो सकेला। तो भैया एक वीडियो बनावा। हाँ हाँ बनाओ तनी। अभी बनाओ तनी। हट जालो। ए, तनी लोग हटा ना। हटा। अकेले में ना बनी वीडियो। हटा, हट जा। ए रुका। तुम बढ़िया से अपन दिल के बात बोला था। स्टार्ट। नमस्ते मैडम। मैडम, हमारा अच्छी तरह पता बा कि रहुआ हमरा से बहुत मोहब्बत करेनी, लेकिन रहुलवा से डरेनी। कौनो न कौनो मजबूरी बा रहुआ के, आखिर में काहे के डरेनी? आप कितना मीठा स्वभाव के बानी और कितना बदतमीज इंसान। लेकिन आप डरी मत, ओकर औकात दिखा दे एक दिन हम। गॉड, आपके प्यार मिलो ना मैडम जी, धन दौलत के लाइन लगा दे, गाड़ी मोटर के लाइन खड़ी कर दे। Oh God! क्या वो बढ़िया सी आ रही है, हैं? अरे तुम्हारी तो हंसी नहीं रुक रही। देखो तुम्हें भी हंसी आएगी। बस खाली एक बार मैडम जी, हाथ जोड़ता नहीं मैडम जी, एक बार रहुलवा के बिना बताए बहरे का तो मिल नहीं आप। हम अपना दिल के बात बतावल चाहता नहीं और रहुआ से आपके दिल के बात सुनल चाहता नहीं मैडम जी। मैडम जी आई लव यू, आई लव यू मैडम जी। तुम्हारे दिल में भी इसके लिए प्यार पैदा हो रहा है? भेज दो इसको जवाब, बता समय आ रही हूँ तुम्हारे पास। तुमको हंसी आ रही है तो दे दो ना उसको जवाब, बता सा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे देखो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो इसलिए मुझे खोने से डर रहे हो, पर इसकी वजह से मेरा नाम उस मोटू के साथ क्यों जोड़ रहे हो यार? I'm just joking, अम्मू। देखो तुम्हारे मन में क्या है ना, मुझे सब पता है, पर यार तुम सोचो, मैं इससे प्यार करूंगी? मैं तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुमको पता है गांव में इसने मेरा कितना केयर किया था, इसीलिए तो तुमसे प्यार कर बैठा है। मैं बता रहा हूँ मुँह, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ऐसे लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं, ये मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। तुम एक बार मुझे उसका ब्रेन वॉश करने तो दो, फिर देखना बिना किसी प्रॉब्लम के वो खुद प्यार से गाँव चला जाएगा। गलत फहमी है तुम्हारी, मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी पुलिस में कंप्लेन करते हैं, पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी, इसके गांव भेज देगी, बस खत्म। एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, समझे? ओके, तो तुम्हें जरा मैं एक वीडियो दिखाता हूं जो इसने मुझे भेजा है। हेलो मिस्टर बॉडीगार्ड, क्या चाहते हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अबे सुन, मोहब्बत करता हूं मैं मैडम जी को, तू क्या मोहब्बत करेगा बे? शकल देखा है अपनी, औकात है तेरी मैडम जी के लायक? मोहब्बत करने चले। देख कबाब में हड्डी मत बन, हट जा मेरे रास्ते से। नहीं तो अभी हिंदी में समझा रहा हूँ बेटा। अगर भोजपुरी में समझा नहीं नू तो तुम्हारे चेहरा पे फेंक दे तेजाब, बस मुझे बस हंस रहा हूँ। अब बताओ क्या करूँ इसका? ये तो सच में पागल है यार, इसे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? मैंने तुम्हारे मोबाइल से लिया था इसे समझाने के लिए, लेकिन इसने तो मुझे ही गाली देना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, तुम बिल्कुल सही थे राहुल, मैं ही गलत थी, ये तो सच में पागल है। देखो तुम्हें जो सही लगे ना वो करो। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। डोंट वरी अम्मू, आज मेरा शो है ताज होटल में, आता हूँ वापस, कल सुबह पहले इसकी कंप्लेंट करते हैं पुलिस में। ठीक है। एक अंता, एक बात बतावा, तू मर्द होगा कि औरत? 50-50, बाकी हम पूरा औरत बनल चाहता नहीं 100%। सुनील बम्बई में बड़का बड़का अस्पताल प्लास्टिक सर्जरी करके बदल देवल जाला। हे जिमी बाबू, हमरो बदलवा देना। हे भगवान, ये घोर कलयुग है। अरे जब चाहो तोरे रहो। ए बेमानी,
बेमानी ना कह देते हैं बेमानी ना। मैडम जी हमरे वा के फोन करत नहीं रहवा, फोन ना उठाओ तनी, वीडियो भेजनी उहुक जवाब ना देनी, हमरा और बिल्डिंग के नीचे खड़ा बनी हाथ पे पेट्रोल लेके, हम तारा नाम पे पेट्रोल छड़े के आग लगा ले, तारा बिल्डिंग के नीचे अपन जान दे दे। ये तुम क्या कर रहे हो? का करी मैडम जी, रहुआ तो हमसे बात नहीं की करत, फोन करत नहीं तो कट कर दे रहल बानी, वीडियो मैसेज भेजनी तो हुक जवाब नहीं केते, जिंदगी में का बचल बा, खत्म हो गेल कहानी, हमार जिंदगी तो बर्बाद हो गेल मैडम जी, हमरा जिंदगी में जे बा सब रहुए ले बा, अब रहुओ ना मिलत तो का करब जी के, आज पेट्रोल छिड़क के हम अपन जान दे दे मैडम जी। देखो बताशा, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, ओके? वो मैं शूट में बिजी थी इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई, मैं तुम्हें सामने से कॉल करने ही वाली थी। मैडम जी देखिए, आज सच सच बता दी कि रहुआ हमसे मोहब्बत करे, लेकिन ना। हाँ करती हूँ ना, बिल्कुल करती हूँ। मैडम जी अगर आप हमसे प्यार करें नहीं तब तुरंत तबे मिले चली आई हमसे। बोली हम ऊपर आई अभी अभी, अगर इतनी रात गए मैं तुम्हें मिलने आऊंगी तो सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाएगा, कितनी बेइज्जती होगी। क्या तुम चाहते हो कि मेरी बेइज्जती हो? ना मैडम जी बिल्कुल ना, हमरा मालूम बा मैडम जी के रहुआ हमरा से प्यार करे नहीं, बाकी खाली वो बॉडीगार्ड से डरे ले रहुआ। अच्छा बताशा, अब तुम प्लीज प्लीज अपने घर जाओ, ठीक है? हम लोग कल मिलेंगे पक्का। रहुआ सच बोला था नहीं ना मैडम जी? हाँ बताशा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास बा मैडम जी, एक बार आई लव यू बोल दी मैडम जी, सुने खातिर हमारे कान तरस गए लो। पहली बार कहना है वो भी फोन पर, अच्छा नहीं लगेगा ना, क्यों ना कल मैं तुम्हें आमने सामने मिलकर कहूँ। बहुत अच्छा, ओके मैडम जी, आई एम सॉरी मैडम जी, हमारा वजह से बहुत तकलीफ भइल, आई एम सॉरी मैडम जी, बाय बाय मैडम जी, बाय, नमस्ते। क्या हुआ अम्मू, क्या हुआ? वो बताशा आया था, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है, तुम कैसे भी उसे पुलिस से पकड़वा दो, वो बहुत बड़ा पागल है, वरना वो कल फिर आएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कूल बाबू, मैं देखता हूँ उसे, कंप्लेंट कराता हूँ उसकी, डोंट वरी। साहिब, जिमी कुड़े है? साहिब, अरे जिमी कहाँ रहता है? जिमी कौन? जिमी साहिब? अरे इधर जिमी रहता है ना। अच्छा वो जिमी साहिब, वो तो सुबह ही मर गया। मर गया? उसी के माध्यम में जा रहे हैं सफेद कपड़ा पहन के। बतासा वो जानता है क्या? कौन बतासा साहिब? अरे बतासा। बतासा? अबे बतासा को नहीं जानता? ए भाग बतासा! हाय पकड़ो, अरे भाग रे बात, पकड़ो सबको। कह रहे पुलिस से झूठ बोलता है तू? ना, रुका, ए जिमी भैया वो लोग भाग कहां रहे? सर सर इसको ना भाग, ले जा इसको, शाना बनता है। हां
मारो ना बस। ए गाड़ी निकाल। बाहर निकालो सबको, बाहर निकालो, चलो कह रहे हैं, ले चलो सबको, ले छोड़ेंगे बाहर, चल ले चलो सबको, बंद करो, हट किधर है लोग, बंद करो सबको, और चल ले चल। अरे बाप रे बाप, अरे कौन साहब लेके आए रे? इंस्पेक्टर लोटे। अरे सर वो तो बहुत मारते हैं, लेटा लेटा के मारते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? भाई देखिए हम लोग को कितना मारे हैं। अरे बाप रे, मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते कानून के हिसाब से। अच्छा तुम्हाला कायदा शिकवणार? मी शिकवते तुला कायदा, तिकडे चल, तेरे बाद में निपटता हूँ छोटा रिचार्ज। अबे तू देख के पता नहीं चल रहा है कि मुलगा कि मुलगी। अरे तोंदू हीरो बनने आए इधर तुम लोग? काहे रे साहिब, साहिब तेरा तो अर्थी निकल रहा था ना साहिब। मैं निकालेगा तेरा अर्थी, मैं निकालेगा तेरा अर्थी। काहे रे इधर मुंबई में तुम लोग लड़की छेड़ने को आया ना, इधर हीरोइन को छेड़ेगा तुम लोग? क्या रे मोटू, हीरोइन को छेड़ेगा तुम लोग? हीरोइन को छेड़ेगा? शाला बनता है हीरोइन छेड़ेगा है, मुंबई में आके हीरोइन छेड़ेगा? हीरोइन को छेड़ता है मुंबई में, इधर तुम लोग चल मोटे इधर चल, हीरो बनेगा, हीरो बनता है तुम लोग, इधर ही हीरो बनेगा। कालिया बैठ, बैठ नीचे, नीचे बैठ कालिया, मैं हीरो गिरी निकालता मैं तुम्हारा सब, इधर हीरो बनेगा। ऐसा आवाज नहीं, एकदम आवाज नहीं। ए चुप, ए तावड़े चाय नहीं रे, मला दूध पाइजे, दूध बोल।
मैडम जी। बताशा जी, मैडम जी क्या हुआ? मैडम जी, मैडम जी पुलिस ने हमारे सारे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, मुझे भी ढूंढ रही है पुलिस। आपने वादा किया था ना कि आप उससे मिलेंगी, लेकिन आप तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं मैडम जी? मैडम जी प्लीज बोलिए ना, मोहब्बत करती है ना आप मुझको? तो फिर बताइए ना सबको कि मोहब्बत करती हैं आप मुझको। ए! गंदी नाली के कीड़े, देख देख आज तेरा क्या हाल करता हूं मैं, देख तू क्या करेगा, क्या करेगा तू? बॉडीगार्ड क्यों मेरे मोहब्बत के पीछे पड़ा है? बताशा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने राहुल पर हाथ उठाया? तुझसे प्यार करूंगी मैं? अरे शकल देखी है तूने अपनी, पूरा का पूरा हाथी लगता है। अपना अच्छा दोस्त समझती थी मैं तुझे, लेकिन तू दोस्ती के भी लायक नहीं है। राहुल बिल्कुल सही कहता था, तुझे पहले दिन ही पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था जब तू यहाँ आया था। प्यार करने चला है, अरे तुम जैसे लोगों की औकात ना जूतों में ही रहने की है। सिक्योरिटी गिरफ्तार कर लीजिए इसे। तू यहाँ छुपा बैठा है, बहुत दौड़ाया, चले चल इसे ले चल। I'm sorry, राहुल। It's okay. It's okay. तांबा है कुटे चल ला भैया, वो हमारा लड़का अंदर है क्या? बतासा। बतासा? हाँ, पांच छह उसके दोस्त भी है उसके साथ। हाँ हाँ अंदर है, जाओ। अच्छा धन्यवाद। जा जा। माय डियर फ्रेंड, चचा पढ़ रहा। वाह बहुत अच्छा लगा था तारा लोग यहाँ देख के, बड़ी खुशी भइल, खूब नाम रोशन केले से तहनी के। तहनी के मती भरम हो गई बा। अरे तहनी के लाज शरम ना इल रे, हैं? बिना बाप महतारी के बतौले आई बतासवा लोफर के चक्कर में तहनी के बॉम्बे चली लसा। ई ना सोच ले सकी बाप महतारी पर का गुजरत हुई, वहां नदी तालाब में वो लोग खो जाता तहनी के, हैं? तू बता सा। अरे तारा हिसन औलाद से तो अच्छा, बाकी हम बिना औलाद के रहती। आप भैया? हाँ बोला। बच्चा लोगों को छोड़ दीजिए। देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बड़े साहब हैं, उनसे मिलिए, जो करना होगा वही करेंगे। अच्छा ठीक है। भैया? हाँ बोलो। वो बड़े साहब अंदर हैं क्या? बड़े साहब? हाँ हाँ जाओ। अच्छा जाओ। अरे दावड़े चाय का क्या हुआ? ए, इसको बोला रे हेड़ा है क्या, इधर नहीं बोलने का। साहब बतासा क्या, हम बाबूजी हैं, गांव से आए हैं, वो बच्चा लोग जमानत कर दे तो बहुत कृपा होती। तू कहीं का कलेक्टर है, तू बोले घर में छोड़ देगा है? तुम लोग का यही लोचा है, गांव से इधर आके लफड़ा करेगा और हम लोग पीछे पीछे दौड़े तुम्हारा बच्चा लोग के। साहब बच्चा लोगों से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एफआईआर हुआ है तुम्हारा बच्चा के खिलाफ, सेलिब्रिटी का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करेंगे राहुल जी और आम्रपाली जी ही कर सकते हैं, उनसे जाके बात करो, वही कुछ करेंगे। मेरा मतलब है साहब, वो नंबर वन मिल जाता तो हम बतिया लेते उन लोगों से।
बड़ा लफड़ा है रे, तुम लोग गांव से आके इधर इतना लोचा करेगा, फिर हम लोग और समझा अपना बेटा को। जी जी। इधर आया तो लफड़ा ना करे। हाँ जी। मुंबई है ये। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। चल तावड़ो चाय बोल। हेलो। हाँ बेटा। हम इधर जीत बोलता नहीं, बतासा के बाबू जी। जी अंकल नमस्ते, कहिए। हम यहाँ बॉम्बे आए हैं बेटा, ओशीवारा थाना से बोल रहे हैं। बेटा इनकी गलती के लिए हम माफी मांग रहे हैं, इनका जमानत करा दो बेटा। हम कल ही इनको गांव लेके चले जाएंगे। अब पुलिस ने इनको बहुत मारा है बेटा, बहुत मारा है। अब गलती तो हो गई है, थोड़ा रहम करो। अंकल आई एम वेरी सॉरी, ये सब कुछ करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, ये तो सब बताशा की वजह से हो गया। पर अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पुलिस से बात करके उनकी जमानत करवाती हूँ। हाँ हाँ बेटा। कौन था? बताशा के पिताजी थे यार, वो यहाँ मुंबई आ गए हैं उन लोगों को लेने। तुम एक काम करो, प्लीज पुलिस को कॉल करो और कंप्लेन वापस ले लो, वो लोग सब गांव चले जाएंगे एंड इट विल बी डन। सिर्फ तुम कह रही हो ना, इसलिए मैं कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। लेकिन मुझे डाउट है कि ये आदमी फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, तुम देख लेना। प्लीज यार कुछ नहीं होगा। जी इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए उन लोगों। जी बिल्कुल ठीक है राहुल जी, जैसा आपको सही लगे। बाय। दौड़े ते भैया आयत ना तन्ना सोड़ दे। अच्छा बोल एक धरे जोरा पकड़। सांझी खान की ट्रेन, बस सब लोग तैयार हो जा। हम एक बार मैडम जी से बिना मिले ना जाए। का कह लिया रे? सब तो हो गए रे, अब का बचल बा? अब कुछ बचल बा का? ए समझा के रखे, कहा था कि हम बिना मिलने ना जाए। ए बतासा अब का बच गई बा? अरे तहरा चक्कर में हमनी के वो हाल भइल बा जेकर कल्पना हमनी जीवन में कब्बो न कर सकता नहीं। एक महीना से हम लोग मुंबई में नरक के जीवन बिता रहल बानी। लात घुसा खैनी वो अलग, बेइज्जती भइल वो अलग, अब का बच गई बा? अरे कौना काम खातिर जेबे तू मैडम जी से मिले? मैडम जी तहरा के का समझतारी हम बताई? हम बतावता नहीं, तहरा के मैडम जी कुत्ता समझतारी, कुत्ता। तहरा चक्कर में हमनी के गांव छूट गई, माई बाप छूट गई, नौटंकियों छूट गई। अब तहरा के कुत्ता बने के शौक बना तो जा मैडम के लगे कुत्ता बने। हमनी कोई ना जाए कुत्ता बने। हाँ हमनी कोई ना जाए। अब रोवा जीन, हमली भी तारा से नफरत ना करे नी बतासा, हम लोग तारा से बहुत प्यार करे नी। ए चाचा जी अब तक तो हम लोग सब बात बतासा के मन नहीं जा, इनका आखिरी ख्वाहिश तो पूरा कर देवल जाओ। एक बार मैडम जी के पास जाए दी चाचा जी, मिलने में दी चाचा जी, प्लीज चाचा जी। ठीक बा ले जा। चला चला। राम राम जी। जी वो अम्रपाली मैडम जी से मिलना था। जी आइए आओ। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अरे नमूना तुमसे पूछ रहा हूं, यहां क्यों आए हो?
राहुल, इन लोगों को यहां मैंने बुलाया है। तुमने? क्यों? दरअसल राहुल बाबू, हम लोग गांव जा रहे हैं। अब गलती तो हो गई है राहुल बाबू, कहा है कि आखिरी बार बतासवा मैडम जी को सॉरी बोलना चाहता है। अमृतपाल, तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। खैर, राहुल, 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 प्लीज। हाँ, क्या? माफी मांगने आए? अम्मू, माफ कर दो। माफ कर दिया मैडम ने, ओके? चलो जाओ, ओके? निकलो, आउट। आउट! हम मैडम जी से 10 मिनट अकेले में बात करना चाहते हैं। क्या? ये क्या चीज है ये? मैडम जी, प्लीज, प्लीज मैडम जी। अबे दिमाग तो ठीक है तेरा? राहुल, वो बस 10 मिनट मुझसे अकेले में बात करना चाहता है ना, कर लेने दो उसे। अम्मू, तुम कब समझदार बनोगी यार? देखो राहुल, तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी है, लेकिन आज नहीं। वो मुझसे 10 मिनट बात करना चाहता है और मैं उसे मना नहीं कर रही हूँ। आओ बताशा। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया तो ओके। बैठो बताशा। नहीं मैडम जी, मैं बैठूंगा नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं मैडम जी। बोलो। मैडम जी, मैं जा रहा हूं और अब फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने आपको बहुत परेशान किया मैडम जी, मेरा अपराध माफी के लायक नहीं। मैं भूल गया था कि इंसान को रात के अंधेरे में सपना देखना चाहिए, लेकिन दिन के उजाले में सपना देखने का गुनाह किया है मैंने। सच तो यह है मैडम जी कि मेरी औकात आपके पैर के नाखून के बराबर नहीं। ऐसा नहीं है बताशा। ऐसा ही है मैडम जी, मैं 5 फुट 2 इंच का गेंडे जैसा इंसान चांद की ख्वाहिश कर बैठा। ये गुनाह नहीं तो और क्या है मैडम जी? पर एक हकीकत ये भी है मैडम जी, मेरी नजर में कायनात की सबसे हसीन खूबसूरत औरत आप हैं। मेरी नजर में खूबसूरती आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो मैडम जी, लेकिन इसी गलतफहमी में जिंदा रहना चाहता हूं मैडम जी। मैं जाने से पहले एक छोटी सी इल्तजा करना चाहता हूं आपसे, अगर आपने पूरा कर दिया तो भी चला जाऊंगा, नहीं पूरा किया तो तब भी चला जाऊंगा। बोलो। मैं कायनात की सबसे हसीन खूबसूरत औरत को एक बार चूमना चाहता हूं, और अगर मैंने आपको चूमा तो ऐसा लगेगा कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान मैं हूं। बताओ, तुम मुझे चूमना क्यों चाहते थे? मैडम जी, जब से आप मेरे गांव से आई हैं, ऐसी कोई रात नहीं जिस रात सपने में आपने मुझे आई लव यू ना बोला हो और मैंने आपको चूमा ना हो। उस सपने के एहसास को मैं हकीकत में बदलना चाहता था। एक बात सच बताओगे बताशा, क्या सपने में भी तुम मेरे माथे को ही चूमते थे? नहीं मैडम जी, मैं आपके होठ चूमता था। तो आज तो तुम पर कोई रोक नहीं थी, तो तुमने माथे को क्यों चूमा? क्योंकि अब उस पर मेरा अधिकार नहीं मैडम जी,
उस पर अब राहुल बाबू का हक है। प्रेम की पराकाष्ठा में जाने के बाद भी हम उसको असलील नहीं कर सकते, और अगर आज हमने आपके होठ को चूम लिया होता तो मेरा प्रेम असलील हो जाता। थैंक यू मैडम जी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम जी, बहुत अच्छी। आपको पता नहीं आपने मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। तुम्हें पता है बताशा, तुम एक बहुत अच्छे बहुत सीधे इंसान हो। जो भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना, वो बहुत खुश नसीब होगी। नहीं मैडम जी, अब मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी। मेरी जिंदगी में जिसको आना था वो आ चुकी है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। बताशा रुको, बताशा मैंने मोहब्बत की है, तमाम मोहब्बत करने वालों को जानती हूँ। मोहब्बत पर फिल्में देखी हैं, किताबें पढ़ी हैं, मोहब्बत पर फिल्में की भी हैं, कई सारी परिभाषाओं को जानती हूँ मोहब्बत की। लेकिन आज आज तुमने ये जो मोहब्बत की नई परिभाषा दी है ना, उसकी इस दुनिया में मिसालें दी जाएंगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बताशा, और जिस तरह की मोहब्बत तुम मुझसे करते हो ना, अगर उस मोहब्बत से तुमने मेरे होंठ भी चूम लिए होते तब भी तुम्हारी मोहब्बत अश्लील नहीं लगती। तुम्हारा सपना अभी भी अधूरा है ना। अम्मू, राहुल प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। सुन, अगर आज के बाद तू दोबारा मुंबई में दिखाई भी दिया ना, तो यहां से तेरी लाश जाएगी गांव सीधे। छोड़िए ना सर, क्या करने आऊंगा मुंबई में, यहां लेकर जा रहा हूं अपनी मैडम जी को। अबे चल ना। डॉक्टर साहब प्लीज बताशा की जान बचा लीजिए, कितना भी खर्च लगे मैं देने को तैयार हूँ, प्लीज। आप धैर्य रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं बताशा को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, धैर्य रखिए, भगवान पे भरोसा। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे जानबूझ के धक्का दिया? तुम्हारी कसम वो गलती से गिर गया। पता है राहुल, जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तब तुम किसी की बात नहीं समझते हो, कुछ नहीं सुनते हो। अरे जिस गलती की सजा उसे मिल रही है वो तो उसने की भी नहीं है, उसने मेरे माथे को चूमा था, उसके होंठ तो मैंने चूमे, और मैं नहीं जानती हूँ वो सही था या गलत था, लेकिन जिस तरह का प्यार वो मुझसे करता है ना, मुझे उसमें कभी कोई गंदगी नहीं दिखी।
मुझे लगता है सर पे चोट लगने से खून काफी बह गया था। सॉरी हम उसे बचा नहीं सके। डॉक्टर। जब से पैदा भई आंसू ही देलस कम भक्त, लेकिन अब हम सोचा था नहीं कि ओकरा माई से का जाके कहब, कहब ओकरा माई से। इसने मुझसे बहुत मोहब्बत की और मोहब्बत की सजा इसे मौत मिली। हम दोनों ने भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत की है, हमारी सजा क्या होनी चाहिए? हमारी सजा यही है कि इस जीवन में तो हम साथ नहीं रह सकते। अमुभाव तो मुझसे हुआ है, और अगर इस पाप का प्रायश्चित यही है तो मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर गुजार दूंगा, और ये मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं। पल भर के लिए अपनी आंखें खोल दो। तुम हमेशा जो मुझसे सुनना चाहते थे ना, आज हकीकत में मैं वो कहना चाहती हूँ। I love you, Natasha. I love you. मैडम, एक आखिरी सवाल। आपने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े सामाजिक कार्य किए, इस छोटे से गांव में इतने बड़े अकेडमी की स्थापना की, क्या हम जान सकते हैं कि आप इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद आपके जीवन में कोई आया क्यों नहीं? हमरा जिंदगी में जेकरा के आवे के रहे हुआ चुकल, ओकरा बाद हमरा जिंदगी में केहू खातिर कोनो जगह नहीं के। धन्यवाद। बोले लुकी देता रुझान सा।